हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मैं एक और छोटी सी जानकारी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो यदि आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। देखिए, मैंने एक छोटा सा श्रग बनाया है बेबी गर्ल के लिए, तो इसकी कर रही हूँ मैं एजिंग। तो आज मैं आपको बताऊँगी दो तरह की एजिंग। देखिए, एक ये वाली और एक ये रैप एजिंग। और ये वाली एजिंग जो स्लिप स्टिच से हम बनाते हैं, बहुत इजी है। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे ये वाली एजिंग को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम बेबी ब्लैंकेट बनाते हैं, जैसे कि मैंने ये बेबी वाला श्रग बनाया है, छोटी सी जैकेट बनाई है। इसकी जो किनारी है, देखिए ये है बाजू, बाजू की किनारी में मैं ये वाली एजिंग कर रही हूँ। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये है रैप एजिंग और ये है स्लिप स्टिच, बहुत ही ईजी वाली एजिंग, जिसको कि कोई भी न्यू बिगनर सीख सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको कंट्रास्ट में बना रही हूँ, यानी कि ब्लैक कलर में बना रही हूँ, और ये बना है मेरा वाइट कलर में। सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्लिप स्टिच से धागा ज्वाइन करने के बाद हमें धागा ज्वाइन करके ये स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से एक, और फिर लेनी हमने एक चेन, फिर बनाना है नेक्स्ट वाली चेन पे। देखिए, ये बना है मेरा बुनाई से, यानी कि हाथ सिलाइयों से मैंने ये बनाया है। फिर हमने स्लिप स्टिच बनाना है, फिर हमने एक चेन लेनी है। ये एजिंग बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत ही इजी है। कोई भी है जो इसको बड़े इजीली बना सकता है, सीख सकता है, जिसको जो नया नया क्रोशिया बनाना भी सीख रहे हैं, वो भी इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं। बस हमें क्या करना है, हर चेन के ऊपर हमें स्लिप स्टिच इस तरह से ज्वाइन करना है, फिर एक चेन लेनी है नेक्स्ट वाली चेन पे, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा दिख रहा है घर, फंदा, इस पे हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है और एक चेन लेनी है। इसी तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए, ये मेरी बाजू की किनारी, यानी कि मैं बाजू के, क्योंकि कंट्रास्ट में देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। आप इसको वाइट के साथ कोई भी कलर लगाइए, कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत सुंदर है जो दिखता है। वाइट के साथ ब्लैक लगा सकते हैं, रेड, जो भी आपकी कलर चॉइस है। तो बहुत सुंदर सी इसकी किनारी बन जाती है। ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मुझे बतानी थी, क्योंकि मुझे भी खुद ये बहुत ही यूनिक आइडिया लगा और बहुत ही ईजी है, कोई भी इसको बना सकता है। और इसे है जो ड्रेस की ग्रेस भी बन जाती है। तो ये जो श्रग बना है, तो इसके लिए है जो आप अंदर से एक ब्लैक कलर का यदि आप इनर पहनाएंगे बच्चों को, तो इसकी ब्यूटी में चार चांद लग जाएंगे। क्योंकि इसके साथ के लिए मैंने बनाया है इसका टॉप ब्लैक शेड में, यदि आप रेड शेड में बना रहे हैं इसका इनर, तो आप इसकी किनारी भी रेड कलर में ही बना सकते हैं। देखिए, एक चेन और फिर नेक्स्ट चेन पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। ऐसे एक चेन, स्लिप स्टिच, फिर चेन, इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। देखिए, इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ ये कैसे बनके तैयार होता है। तो देखिए दोस्तों, ये बनके कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे हम करेंगे इसको ज्वाइन इस तरह से ऐसे, और जो हमने फर्स्ट यहाँ पे शुरू किया था यहीं पे मैं दोबारा से इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर रही हूँ। और देखिए इस तरह से एक बार मैं इसको फिर से, अब हम इसको कट करके धागे को नीडल या किसी चीज़ की हेल्प से इसको हाइड कर देंगे। तो इस तरह से है जो हमारा ये वाली एजिंग बनके कंप्लीट होगी। और ये देखिए इसकी लुक, इस तरह से है जो ये दिखती है ये वाली एजिंग। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली आप इसको बना सकते हैं इस तरह से।
किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ये वाली रैपेजिंग, ये भी जस्ट मिलती जुलती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको बताती हूँ। और देखिए ये वाली एजिंग तो किसी भी प्रोजेक्ट में है जो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये होगी हमारी स्लिप स्टिच वाली एजिंग, ये होगी हमारी रैप एजिंग, और ये वाली एजिंग भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ ये वाली एजिंग। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।